अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल। हमारी पिछली वीडियो अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल, जिसमें हमने 20 ऐसे बदमज़हब स्पीकर्स के बारे में बताया था कि सुन्नियों को जिनसे बचना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर कई लोगों को अच्छी खासी तकलीफ़ हुई और अपनी तकलीफ़ का इजहार उन्होंने कमेंट सेक्शन में भरपूर तरीके से किया। कमेंट्स देखकर ऐसा महसूस हुआ कि हमने किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। आज की हमारी वीडियो भी इसी सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है और आज हम 20 ऐसे सुन्नी स्पीकर्स के बारे में बताएंगे कि जिन्हें सुनना चाहिए। किसे सुने किसे नहीं का एक तरह से आज पार्ट 2 है। पहले हमने बताया कि इन्हें नहीं सुनना चाहिए और आज हम बताएंगे कि किन्हें सुनना चाहिए। शुरू करने से पहले एक वजाहत बयान कर देना मुनासिब मालूम होता है ताकि बाद में किसी को बदगुमानी ना हो। ये जो हमने नंबर्स दिए हैं, नंबर 1 नंबर 2, तो ये नंबर्स सिर्फ रैंकिंग के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी को कमतर या किसी को अफजल करार देना मकसूद है। यानी ये नहीं है कि जो नंबर 1 पे है वो नंबर 2 से अफजल है या जो नंबर 4 पर है वो नंबर 3 से कमतर है। ये इसलिए बता दिया गया ताकि देखने वाले, हो सकता है किसी को किसी से अकीदत हो और वो ये गुमान कर बैठे और ये समझे कि हमारे पीर साहब को नंबर 4 पे जगह दी गई या फ़लां आलिम को देखें नंबर 5 पे जगह दी गई या फ़लां को नंबर 10 पर। तो यहाँ पर तराजू वाला कोई मामला नहीं है। हमारे लिए तमाम सुन्नी उलमा नंबर 1 पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जिन्हें शामिल किया गया है वो है अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी। हक बोलना कोई इनसे सीखे। इनकी हक गोई और बेबाकी का ये आलम है कि ये किसी के सामने कुछ भी कह देते हैं, नहीं देखते कि कौन है। और इनका जुमला भी है, कहते हैं कि बुज़दिल बंदे को तो ये हक ही नहीं कि वो दीन को बयान करें। आप ये भी कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो तुम नजराना लेकर नहीं कह सकते। नंबर 2 पर सिर्फ हिंदू पाक ही नहीं बल्कि कई ममालिक में बसने वाले सुन्नियों के दिलों की धड़कन और ऐसी शख्सियत के जिनका तारुफ कराना ये हमारे बस की बात ही नहीं, वो है अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान, आल्सो नोन एज हुजूर ताजुशरिया। सुन्नियों का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है, इनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। नंबर 3 बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं, अल्लामा सैयद तुराबुल हक कादरी। इल्म हो या अमल दोनों में इनकी मिसाल नहीं मिलती, दोनों में इनकी बात निराली है। नंबर 4 शेख असरार राशिद। इनके बयानात भी काफ़ी इल्मी होते हैं और अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो इनकी वीडियोज़ ज़रूर देखें और इनकी जो डिबेट्स होती हैं वो भी काफ़ी मुफीद हैं नौजवानों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। नंबर 5 अल्लामा साकिब शामी। मैदान तकरीर हो या मैदान तहरीर दोनों में इनका कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 6 ऐसी शख्सियत के जिनको किसी बड़ी खानकाह की गद्दी विरासत में नहीं मिली और ना ही इन्होंने अपने बाप दादा के नाम पर शोहरत हासिल की बल्कि अपने काम से पहचाने जाने वाले अमीर अहल सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी हफ़िज़हुल्लाह ताला। नंबर 7 अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी। नंबर 8 हुज़ूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां हफ़िज़हुल्लाह ताला। नंबर 9 इनके अंदाज़ की दुनिया दीवानी है मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई। नंबर 10 डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली। नंबर 11 मुफ्ती अकमल मदनी। नंबर 12 अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह। नंबर 13 अल्लामा पीर अजमल रज़ा कादरी। नंबर 14 पर फाउंडर ऑफ सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली नूरी। नंबर 15 मौलाना कोकब नूरानी ओकाड़वी। नंबर 16 मौलाना हाफिज़ एहसान इकबाल कादरी। नंबर 17 पर हमने एक आलिम दीन को शामिल किया था लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब इनकी जो नैया है वो डगमग हो चुकी है, यानी 17 पर ख़तरा जैसा कुछ मामला हो गया
तो इनको यहाँ अभी बयान करना, शामिल करना मुनासिब मालूम नहीं होता। नंबर 18, पीर महमूद गुफरान सियालवी। नंबर 19, मौलाना इमरान अत्तारी। और नंबर 20, फ्रॉम अल जामियतुल अशरफिया, मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही। आज के इस वीडियो में हमने 20 ऐसे सुन्नी स्पीकर्स को शामिल किया कि जिन्हें सुनना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर हाज़िर होंगे 20 के साथ, यानी 20 मज़ीद स्पीकर्स के साथ।